हेलो गाइस, स्वागत है आपसे एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं वीडियो बना कैसे रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट आप तक ये बात पहुँचानी ज़रूरी थी। मैं बचूंगा कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। एंड इस वीडियो को पंजाब पुलिस, केजरीवाल, मोदी सरकार, हर जगह ट्विटर पर ज़रूर शेयर करना, ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक पॉपुलैरिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, पॉपुलैरिटी में क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड मैंने फैक्ट रखे थे जो रखने थे। एंड उस वीडियो से किसी को बुरा लग गया, ठीक है। मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को फालतू नहीं बोला, मैंने सिर्फ फैक्ट रखे थे, है ना। वो किसी को बुरा लग गया, उसने मुझे फ़ोन किया, जिसका नाम था डाकू। डाकू ने मुझे फ़ोन किया, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, देख लो मेरे नाक की पूरी हड्डियाँ टूट गई हैं, यहाँ सर्जरी हुई है, मेरे आँख के अंदर चोट लगी है, मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, मेरे पीठ में बहुत चोट लगी है, मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। मैं किस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट आप सभी अगर सपोर्ट करोगे तो मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मैंने पॉपुलैरिटी के ऊपर वीडियो बनाई थी, डाकू को बुरा लगा, डाकू ने मेरा नंबर कहीं से निकलवा के मुझे फ़ोन किया और मुझे गालियाँ देने लग गया फ़ोन पे। एंड मैंने उससे बोला भाई क्या चाहते हो, तो उसने बोला मैंने तेरे से मिलना है, तू मुझे अपना एड्रेस दे, मैं तुझे आके बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। और उसने मुझे डराने और धमकाने की पूरी कोशिश की उस दिन। तो मुझे लगा भाई फ़ोन पे डरा रहा है, कौन सा ही आ जाएगा घर पे, है ना। तो मैंने उसको बोला भाई यार क्या मेच्योर बन के बात कर ले, थोड़ी सी बच्चों जैसी बातें कर रहा है ना। मैंने तुझे कुछ फालतू बोला नहीं, तू मुझे गालियाँ दे रहा है। इतनी बात हुई, मैंने उसका फ़ोन काट दिया। फिर उसने काफ़ी सारे बंदों से मेरा एड्रेस निकलवाने की कोशिश की, एंड मेरा एड्रेस निकलवाया। एंड उसके बाद उसने किया क्या मुझे नहीं पता, बट आज परसों की बात बता रहा हूँ, परसों डाकू ने मुझे धमकी दी थी। एंड आज मेरे घर पे सुबह 6 बजे मैं सो रहा था, कोई गेट खटखटाता है, मम्मी गेट पे जाते हैं, मम्मी पूछते कौन, तो वो बोलते पारस से मिलना है। तो मम्मी को लगा चलो कोई दोस्त होगा, मम्मी ने गेट खोल दिया। उन सबके पास हथियार थे, लोहे की रोड थी, एंड 8 बंदे आए थे, वो सीधा मेरे कमरे में आए, मेरी मम्मी को धक्का मार के उन्होंने गिरा दिया, एंड वो मुझे पागलों की तरह मारने लग गए। मैं उठा, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की भाई हुआ क्या, बात तो बताओ, वो कुछ नहीं बोल रहे। एक बंदा वीडियो बना रहा था, बाकी सब मुझे मार रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं अधमरा हो गया, एक तरह से बेहोशी हो गया भाई, इतना मारा उन्होंने, इतना मारा मुझे, मेरे हाथ की हड्डी, मेरे पैर की हड्डी, मेरे नाक की हड्डी, मेरे शरीर में इतने सारे जख्म हो गए हैं। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ, मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। जितने चैनल हैं न्यूज़ वाले, सबको ये वीडियो टैग करो, एंड खासकर ट्विटर पे ये वीडियो शेयर करो, सब लिंक शेयर करो, मोदी सरकार को, केजरीवाल को, एंड पंजाब पुलिस को, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। मैंने इसके खिलाफ़ पंजाब पुलिस से बात की, उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, वो बोलते कि हम कर रहे हैं, तहकीकत कर रहे हैं, बट कोई मेरा हालचाल पूछने नहीं आया, कोई पूछताछ नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर चाहोगे तो मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। एंड जो 8 बंदे मुझे मारने आए थे, वो गाड़ी पे आए थे, 2 बाइक थी, 1 एक्टिवा थी, एंड सबके पास हथियार थे। जो मुझे बचाने आ रहा था उसको भी भगा रहे थे, बोल रहे थे हम तुम्हें भी मारेंगे, हमारे पास हथियार है, अगर कोई आगे आया तो जान से मार देंगे, धमकी दे रहे थे। और मैं, मुझे नहीं पता इस वीडियो के बनाने के बाद मैं बचूंगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुंह से सांस ले रहा हूँ, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, एंड बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। और अभी वो दोबारा भी हमला कर सकते हैं, नो आइडिया, बट अभी मैं अपने इस वाले घर से कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ सेफ्टी के लिए। बट आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर न्यूज़ चैनल पे, हर बंदे के पास ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि मुझे, मेरे को वो मिले, क्या कहते हैं उसे, इंसाफ मिले। प्लीज़ इतना काम आप कर सकते हो, सबको पता है मैं कैसा हूँ, आज तक मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं बोला, कुछ बुरा नहीं किया, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए बस, बाकी मिलते हैं अगर बचे तो।